ये एक गोभी का पत्ता आपके पैरों में जो स्वेलिंग आई हुई है उस सूजन को या उस दर्द को ये दूर कर सकता है और बिना किसी दर्द के। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसे आप लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे या हम सभी को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी समस्या है और किस समस्या का आप समाधान जो है करनाल प्लस से चाहते हैं, आप ये हमें जरूर बताएं। तो इस गोभी के पत्ते का इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पैरों में सूजन आती क्यों है। कई बार जो होता है हम चल रहे होते हैं और चलते चलते हमारा पैर जो है इस तरीके से अटक जाता है, यानी उसमें मोच आ जाती है। तो मोच की वजह से भी हमारा पैर का हिस्सा जो है सूज जाता है। कई बार हमारे वेट, हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा सारा वजन जो है हमारे पैरों पर आ जाता है, उस वजह से भी हमारे पैर जो है सूज जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा दिल से हमारा जो है रक्त, यानी कि रक्त संचार चलते हुए पैरों में आता है लेकिन वो पैरों से दोबारा हमारे दिल में नहीं पहुंच पाता है, उस वजह से भी हमारे जो है पैर सूजने स्टार्ट हो जाते हैं। या कोई गुम चोट है या कोई सर्जरी है, उस वजह से भी हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है और हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई लोगों के तो पैरों में जो है खून के थक्के भी जम जाते हैं, जिस वजह से भी हमारे पैर सूज जाते हैं। कई लोगों के पैर तो इतने मोटे होते हैं अगर वो इस तरीके से हाथ भी इस तरीके से दबाव भी डालते हैं तो उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। लेकिन ये बिल्कुल एक नेचुरल और एक बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा है जो कि बिना किसी दर्द के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके पैरों की जो सूजन है उसको दूर कर सकता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश आपने गोभी का पत्ता लेना है जो आपके आसपास के स्टोर पर अवेलेबल होता है, आपको सब्जी वाले से मिल सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इसके जो ये पत्ते हैं इन पत्तों को आपने हल्का हल्का इस तरीके से तोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे ये पत्ते आपने निकाल लेने हैं। अभी आप देखते रहिए, इन पत्तों का इस्तेमाल सिर्फ आपके पैरों के सूजन के लिए नहीं है। आप चाहे तो अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों में आपके सूजन रहती है वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जो है 4 से 5 जो है आपने गोभी के पत्ते ले लेने हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर कोई इस प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी आप जो है बीमारियों का समाधान जानते हैं जो कि एक गोभी का पत्ता करता है वो भी आप जो है हमें बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आपने ये पत्ते ले लेने हैं, गोभी के पत्ते आपने ले लेने हैं। अब यहाँ पे मैं ये 4 में 3 ले चुकी हूँ, चौथा एक और जो है मैं गोभी का पत्ता लेऊंगी। इसका ट्रीटमेंट आप बिल्कुल अच्छे से देखेगा जो बिना किसी नुकसान के है और आपके बजट में भी है। कई लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और फिर भी उनको समझ नहीं आता है, कई बार बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जो आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी बीमारी को भी ठीक करेगा। तो आपने यहाँ पे 4 गोभी के पत्ते ले लेने हैं, इस तरीके से बड़े बड़े कटे हुए पत्ते आपने लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो है अभी तो गोभी के पत्ते में लगा रही हूँ लेकिन इसके बाद भी आपने एक और काम करना है जिससे कि आपको इसके पूरे जो है फायदे आपको मिल सके। ये देखिए जहां जहां पे आपने सूजन है आपके वहां पे आपने जो है गोभी का पत्ता लगाना है। एक बात मैं और बोलूंगी, गोभी का पत्ता लगाने से पहले आप जो है अच्छे से इसको प्रेस कर ले, चाहे तो किसी बेलन की मदद से प्रेस कर सकते हैं ताकि ये आपकी स्किन पर जहां पे आपके सूजन है वहां पे अच्छे से चिपक सके। तो इस तरीके से आपने इसको चिपकाना है, ये 4 के 4 पत्ते जो है आप इसी तरीके से लगाए। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी सूती आपने कपड़ा ले लेना है, चाहे तो आप गर्म पट्टी भी ले सकते हैं, ये सूती कपड़ा आपने लेना है और इसको जो है अपने पैर पर आपने इस तरीके से आपने लपेट देना है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से जो है इसको लपेट के रखें, बहुत अच्छे से लपेटें और ज्यादा जोर से ना लपेटें, इससे आपको दर्द हो सकता है। तो आप इसको लपेट के रखें और मैं आपको कहूंगी अगर आप रात को सोने से पहले करते तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह आप 1 घंटे तक भी इस तरह करके रखेंगे तो आपके पैरों की कोई भी स्वेलिंग है अगर वो किसी भी वजह से है तो आपकी पैरों की स्वेलिंग जो है इससे दूर हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।